जी मेरा नाम शांतनु डे है जी, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आ रहा हूँ जी। मेरी बेटी है सानी डे, अभी 6 साल की है। जब से ऐसा हमको पता नहीं चला, जब ये 2 साल की हुई तब उनको पता चला। जैसे मतलब हम लोग आवाज़ देते थे, आवाज़ पर रिएक्ट नहीं करती थी बराबर। उसके बाद फिर हम लोग ने इसको 3.5 साल में जब स्कूल में डाला तो तब हम लोग और ज़्यादा समझ में आए। फिर हम लोग जा करके ENT वाले के पास जा करके दिखवाए हम लोग, तो वहाँ सारे टेस्ट वगैरह हुआ है, मेरा टेस्ट हुआ है, मेरा ही हुआ है, कान वान साफ करवाए हैं। तो उनके थ्रू हमको मशीन लगाने के लिए बोला गया, तो हम मशीन लगाए। तो मशीन लगाने के बाद भी हमको ऐसा नहीं लगा कि ये मतलब बेहतर हो गई। तो हमको मेरी मिसेज से ये कि इन्होंने ही इसको मतलब पूरा पढ़ा लिखा कि यहाँ तक का अभी तक जितना बोल रही है उसी के ऊपर है पूरा। तो ये हम लोग को लगा कि और आगे जाके बेटर हो सकती है ये YouTube से हमको पता चला। तो किसी ने एक दिन YouTube पे देखा प्रवीण सुराना सर जी का जो, तो हम लोग देखे कि ये ऐसा है गुजरात में करके अहमदाबाद में, तो हमने उनको फोन लगाया। तो हमको लगा कि चलो ठीक है जाना चाहिए, तो हम आए हैं यहाँ करवाए हैं। तो हमको पहले तो मतलब जिस फ्रिक्वेंसी पे इसका चल रहा था, यहाँ आने के बाद 2 घंटे में इसका फ्रिक्वेंसी थोड़ा बेटर हुआ, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा है, मतलब पीछे से आवाज़ सुन रही है अच्छे से। और यही बोलना चाहूँगा कि जैसे भी जो लोग हैं जो सोच रहे हैं आज भी यहाँ पर आने के लिए कि हमारे पैसे बर्बाद होंगे या जैसा भी मानसिक संतुलन जो बना के रखे हैं, उनको थोड़ा सुधारें, एक बार आके फिर देखें, या तो इन वीडियो के थ्रू बात कीजिए और दूसरे के बात पे बताइए। एक बार अपने तरफ से आकर के देखें, अगर आपको सही लगेगा तो करिए, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, आपका पैसा आपको नीचे। हमको लगा कि हमारी बेटी है तो पैसा बेटी से बढ़ के नहीं है, तो इसलिए हमने एक बार चांस दिया है, आगे देखते हैं, बाकी लाइफ टाइम ऊपर वाले के हाथ में है।